हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक स्ट्रीम। यहाँ पर मैच हो रहा है टीओएल वर्सेस स्पोर्टिंग कैंसर्स के बीच, जो कि खेला जाएगा 6:30 बजे सुबह। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की तो टीओएल एंड स्पोर्टिंग कैंसर्स, जब अभी 2019 के बाद इन दोनों टीम्स के बीच कोई मैच नहीं हुआ। ओवरऑल ये मैच 4 साल बाद हो रहा है, जिसके अंदर हर बार स्पोर्टिंग कैंसर्स इनसे जीती है। लेकिन इस बार वोटिंग रेशियो देख के और गेम का प्लानिंग देख के, गेम को एनालाइज करके ये पता चलता है कि स्पोर्टिंग कैंसर्स इस बार अगर जीतती है तो उनको बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जीतने के लिए, क्योंकि ऑपोजिशन टीम अब वीक नहीं रही। इसलिए मेरी रिस्पेक्ट टीओएल के लिए बड़ी है। तो मैं सबसे पहले देखिए बात करूँगा यहाँ पर फेवर की, तो देखो किसी सिंगल साइड फेवर मत करो, मेरी एक आपको राय है, बड़ी अच्छी राय देता हूँ मैं। तो स्ट्राइकिंग की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर लूँगा मॉरल्स को। सबसे पहले तो मॉरल्स को पक्का करो, क्योंकि जितने गोल हो रहे हैं उसमें रॉबर्ट मॉरल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, मैं ऐसे बोलूँ, ठीक है। एंड बात करें ऑपोजिशन टीम की, तो उनका क्लेयर रसल, उसको लो भाई, वो कहाँ है जे रसल, नहीं छूट देना चाहिए क्योंकि वो छूटा गेम गई। जे रसल पिछले मैच में कप्तान था हमारा, सिलेक्शन थी 20%, और आपको 10 बार बोला था मैंने वीडियो में कि ले लो, फिर बोल रहा हूँ रसल छूटा, गेम छूटी आपके हाथ से, ये मैं फिर बोल रहा हूँ, रसल मत छोड़ो, वो बंदा स्ट्राइकर है। बहुत जल्द आप इस बंदे का नाम स्ट्राइकिंग सेक्शन में देखोगे, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। और बात करें इनके और प्लेयर की, तो इनका प्लेयर पिछले मैच के अंदर मैंने देखा कि डैनियल सलोई को इन लोगों ने एज अ सब्स्टिट्यूशन भेजा, और उस बंदे ने पीछे हटने की कोशिश नहीं करी, गोल आते आते रह गया इस बंदे का, इसलिए मैं सलोई को लूँगा अगर खेलेगा। और अगला प्लेयर है आर पॉल, इसलिए क्योंकि पिछले मैच में पी रॉल इसलिए क्योंकि भाई वो खेला पिछले मैच में, गोल भी करके गया। उसके बाद जो इनका एक खिलाड़ी है स्पोर्टिंग कैंसर्स का, जिसका नाम है ए पुलिडो, ये इससे भी अच्छा खेलता है, बट पता है मैंने इसको क्यों नहीं लिया, रीज़न है रेड कार्ड। इसको सेकंड लास्ट मैच में रेड कार्ड हैंडओवर हुआ था, जो कि अगले मैच तक एक्सपायर्ड होगा, इसलिए वो आज नहीं खेलेगा। इन मिडफील्डिंग की बात करें, एम रूइज़ को यहाँ पर पक्का लेना है। एम रूइज़ के बाद मैंने जैसे कहा था जे मनेसिस हो गया, और कौन सा प्लेयर बोला था, अरोजो बोला था, इन लोग को लेने को बोला था। अरोजो ने एवरेज गेम प्ले दिया, ज़्यादा खास तो नहीं दिया। मेनेसिस ने बहुत अच्छा खेला, ये मेरे को बहुत खुश करके गया, इसलिए मैं इसको लूँगा। उसके बाद इनका और कोई प्लेयर मैं नहीं ले रहा, लाइक रिकार्डो। हाँ, रिकार्डो अच्छा था यार, रिकार्डो अगर गेम प्ले में होता तो मैं हार जाता, मैं बच कहाँ से गया कि ये सब्स्टिट्यूट था, अगर ये गेम प्ले में होता मैं बच ना पाता इस मैच में। इसलिए अगर आपने इसको लेना है ना, तो फिर तो आप मेनेसिस को भी छोड़ दो, मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपको इतना है। एंड ऑपोजिशन टीम की बात करें, किंडा को ले लो, क्योंकि और कोई प्लेयर यहाँ पे बनता नहीं, ये थॉमी वॉमी सिर्फ नाम के हैं, इन्होंने कभी कभी तो चलना होता है। एंड बात करें डिफेंडिंग की, यहाँ पर है मेरा वी होएटा, वी गर्शिया, ठीक है। और आगे से बात करें इन्हीं की टीम की प्लेयर मोस्केरा को मैं लेना चाहता हूँ अगर खेलेगा, ठीक है। आगे से अगर बात करें गोल कीपिंग की, यहाँ पर है हमारा आपकी गलती हो रही है जो पिछले मैच में भी करने लगे थे, वॉल्पी को लो भाई, वॉल्पी पेनल्टी टेकर है, बहुत बड़ा पेनल्टी टेकर है, ये गोल करने से पीछे नहीं हटता, जबकि ये एक गोल कीपर है, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये बंदे को कैप्टन भी रख सकते हो, फिर से सुन लो, ये पेनल्टी टेकर और ये जो टीम है ना टीओएल, ये पेनल्टी की धनी है, आपको बता दूँ, ठीक है। एंड बात करें यहाँ पर ना, अब आप क्या करो, रोजेरो को ले लो, क्योंकि वो नहीं छूटना चाहिए, वो मेन है, वो बड़ी गलती होगी अगर आज वॉल्पी मेरी टीम में नहीं है और वो गोल करता है, तो मैं अपने आप को लानत दूंगा कि ये मैंने क्या किया, ठीक है, जो कि मैं नहीं चाहता। तो आगे से अगर बात करें कप्तान की, भाई मेरा जो कप्तान है वो देखो, मैं आपको एक सीधी मायने में बताऊं तो एम रूइज़ शुरू में चला था, बहुत अच्छा चला था, मैं नहीं कह सकता कि अगले मैच में क्या करता है, क्योंकि पिछले मैच में वो वाला जोर तो दिखा नहीं। इसलिए आप ऐसा कीजिए, अपना कप्तान रखिए मॉरल्स को, वाइस कप्तान रसल को रखिए, ये एक रिस्की कॉम्बिनेशन ज़रूर है लेकिन फ़ायदेमंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।